वेलकम फ्रेंड्स, मेरा पिछला वीडियो आया था इंग्लिश का, जिसको आपने काफ़ी सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया था, उन सभी को धन्यवाद। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आगे अंग्रेजी में, आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल के बारे में हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और साथ ही स्कूल कॉलेज सब में आते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सभी के बारे में। और एक बार अगर आपने इसको स्टडी कर लिया तो आपके किसी पुस्तक से आप आर्टिकल उठा के बनाइए, श्योर है आपका बनेगा ही। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल होते क्या हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। मतलब आर्टिकल इतने छोटे छोटे शब्द होते हैं, आर्टिकल छोटे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा वाक्य, संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अ पेन, देखिए पेन एक संज्ञा है, उसके पहले लगा आर्टिकल अ पेन। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक संज्ञा है। जैसे कि द गंगा, गंगा एक संज्ञा है, इस वजह से। तो संज्ञा शब्दों के पहले लग रहे हैं। हमने शुरू में ही देखा था, आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। तो ये देखिए संज्ञा शब्दों के पहले ये प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल के प्रकार के बारे में। देखिए आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित। इनडेफिनिट में हम पढ़ेंगे दो आर्टिकल्स के बारे में, ए और ए एन, जबकि डेफिनिट में हम पढ़ेंगे एक ही आर्टिकल के बारे में जो है द, जिसका अलग अलग प्रोनंसिएशन होता है, आगे हम उसको सीखेंगे। तो अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो प्योर इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन के बारे में सभी जानकारी आपको दूंगा, जिससे समस्त जितनी समस्याएं हैं ए और एन संबंधी वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ए और एन के बारे में। यूज ऑफ ए और ए एन, दोनों का प्रयोग एक साथ देख रहे हैं। पहला प्रयोग कि ए और ए एन दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है एक। जहां आप एक कहना चाहते हैं वहां आप ए या एन जरूरत के अनुसार लगा सकते हैं। और इसका प्रयोग कहां करना है, एक के अर्थ में सिंगुलर, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन में, नाउन के पहले करना होता है। ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको करना होगा। जैसे कि पेन, ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, अ पेन। जैसे कि आंसर, तो एन आंसर सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इस वजह से यहाँ पे ए और एन का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं सिर्फ एन के बारे में, दूसरा प्रयोग में देखते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कहां करना है, जहां कोई अंग्रेजी का शब्द अ आ ई ई ए ओ और औ से शुरू होता हो। अंग्रेजी का कोई भी शब्द अ आ ई ए ओ औ इन आठ स्वरों से शुरू होता हो, या इन आठ स्वरों में से किसी भी एक स्वर से शुरू होता हो, तो वहां हम लगाएंगे एन। ध्यान रखेंगे यहां मैंने उ उ को नहीं लिखा है, क्योंकि उ उ वाला कोई भी शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं होता, इस वजह से वहां पे उसको नहीं लिखा गया है। तो ये आठ स्वर हैं, इन्हीं आठ स्वरों को ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि हम लिखते हैं यहां पे एच एम, एच एम। तो एच एम में देखिए शुरू में क्या आ रहा है, एच, तो हिंदी में लिख के देखिए ए आ रहा है एच, इस वजह से यहां क्या लगेगा एन एच एम। जैसे कि
अम्ब्रेला लिखते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में शुरू में देखिए हिंदी में लिख के देखिए क्या आ रहा है अ, तो फिर लगेगा एन अम्ब्रेला, ठीक है। ध्यान रखेंगे एन का प्रयोग अ आ ई ई ए ऐ ओ औ से शुरू होने वाले शब्दों में आपको एन का प्रयोग करना होता है। तीसरा प्रयोग यह है इसका ए का प्रयोग, ए तो ए का प्रयोग कहां करना है, व्यंजन उच्चारणों में, व्यंजन उच्चारणों में। मतलब यह है कि यदि कोई शब्द जो इन आठ स्वरों को छोड़कर किसी अन्य शब्द से अन्य उच्चारण से शुरू हो रहा हो तो उसके पहले आपको ए लगाना है, यानी व्यंजन उच्चारणों में आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे कि चेयर, देखिए शुरू में आ रहा है च, भाई इसमें च तो नहीं है इसलिए हम लगा देंगे अ चेयर। क्लियर हुआ तीनों चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा यूज, विस्मयादि बोधक वाक्यों में, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग जरूरत के अनुसार होता है। जैसे कि देखिए हम ऐसे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहां पे ये देखिए ए का प्रयोग हुआ क्योंकि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसी तरह से व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, यहां पर भी ए का प्रयोग हुआ, जहां स्वर उच्चारण होगा वहां पे हम एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, देखिए गिनती के लिए भी, यानी कि गिनती करने के लिए भी हम ए, गिनती करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 100, 1000, 1 million, कपल, डजन, 1000, 1 million, बिलियन, कपल, डजन, तो यहां पर भी हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ गिनती वाले शब्दों में भी ए का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे ये है 3.5 किलो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 3.5 kilos, यहां मैंने एस लगाया है ध्यान रखिएगा, 3.5 kilos, यानी कि 3.5 किलो। इसी तरह से अगर ये 0.5 किलो ही हो तो कैसे बोलेंगे, 0.5 kilo, यहां पे हम एस नहीं लगाएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। 3.5 kilos कब होता है, जब यहां पे ज्यादा हो और सिर्फ 0.5 किलो है तो वहां पे 0.5 किलो कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए ये 1/3 है, इसको आप हम क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, अ थर्ड, 1/3 ही बोल सकते हैं, अ थर्ड ज्यादा बेहतर है 1/3 से। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ए एन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, पर, ए एन का प्रयोग जो होता है पर के अर्थ में, पर यानी कि प्रति, जैसे कि आई अर्न 20,000 rupees अ मंथ, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, आई अर्न 20,000 rupees पर मंथ। यहां पर के अर्थ में हम क्या लगा रहे हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। उसी तरह से मोस्ट, मोस्ट के पहले भी हम ए लगाएंगे यदि मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता हो। यदि मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होता हो तो मोस्ट के पहले हमको ए लगाना होता है। ध्यान रखेंगे ये भी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा, अभी ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है क्योंकि वेरी एडवर्ब है और वेरी का मतलब होता है बहुत, तो कहने का मतलब ये है कि जब मोस्ट का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता हो तो उसके पहले हम
ए लगाते हैं, जैसे कि मैं एक वेरी सेंटेंस बनाकर बता रहा हूं और वेरी को रिप्लेस करके आपको मोस्ट लगा के बताता हूं। जैसे सी इज ब्लैंक वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहां देखिए हम ए लगाएंगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम देखते हैं कि वेरी का प्रयोग तो हुआ है यहां, तो वेरी को रिप्लेस करके हम मोस्ट लगा सकते हैं, उसी सेंस में होगा। तो सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको डिग्री में यूज करना चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है और वहां पे द का प्रयोग होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे यहां पे ऐसा होगा। मान लीजिए ये द लगा लेते हैं, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल। तो यहां इसका अर्थ बदल गया, देखिए मोस्ट का वह सबसे सुंदर लड़की है और यहां बोल रहा है कि वह बहुत ही सुंदर लड़की है, दोनों में अर्थ बदल रहा है। तो सुपर डिग्री में ध्यान रखेंगे यहां लगाना पड़ेगा ऑफ ऑल, और यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे वो वेरी के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी होता है। ऑल, ऑल कैसे? ए एन इज इक्वल टू ऑल। ऑल के अर्थ में हम ऐसे बोलते हैं, देखिए ब्लैंक काउ हैज अ लॉन्ग टेल। यहां बोला जा रहा है कि गाय की लंबी पूंछ होती है, तो प्रत्येक गाय की होती है, तो यहां सभी गाय की होती है, तो सभी गाय की यानी कि सभी के अर्थ में हम को ए का प्रयोग करना होगा, ना कि ऑल का। हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते ऑल काउज हैव लॉन्ग टेल, यहां पर यह गलत होगा, हमें किसी का यूज करना पड़ेगा। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, इसका मतलब एक ही गाय की नहीं है, सभी गाय की पूंछ लंबी होती है, यह बताया जा रहा है, तो उसको इस अर्थ में प्रयोग करना गलत होगा, ध्यान रखेंगे। उसको हम देखते हैं नेक्स्ट यूज इसी का। देखिए यदि किसी विशेष व्यक्ति के गुण दोषों से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान हो, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान हो, तो प्रॉपर नाउन के पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना होता है। आई रिपीट, यदि किसी विशेष व्यक्ति के गुण दोषों से किसी अन्य व्यक्ति की पहचान हो, तो प्रॉपर नाउन के पहले आपको ए या एन का यूज करना होगा। जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं, ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, तो हिटलर यहां प्रॉपर नाउन है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि हिटलर जैसे गुण दोष उसमें है, तो हिटलर जैसे गुण दोष होने के कारण इसी विशेष व्यक्ति के गुण दोष के कारण ही इस व्यक्ति की पहचान की जा रही है, इसीलिए यहां पे हमने ए लगाया है, प्रॉपर नाउन के पहले ए लगाया है। या ऐसे बोल सकते हैं, ही इज अ सेकंड दारा सिंह, मतलब हो सकता है दारा सिंह की तरह वह हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, इसी वजह से वहां पे हम ए लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई उच्चारण को ऐसा शब्द आया हो जो उसका उच्चारण स्वर से शुरू होता हो, तो आप एन भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है, आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो नाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स जो नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो जब नाउन के रूप में प्रयोग होता हो तभी ए एन लगाइए, और ना होता हो वर्ब रूप में प्रयोग होता हो तो मत लगाइए। जैसे देखिए स्विम है, वॉक है, रेस्ट है, बाथ, ठीक है, ये देखिए केयर, यहां कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को मैं दोनों तरह से प्रयोग करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि वॉक, वॉक, वॉक का नाउन होता है, नाउन यानी कि संज्ञा के अर्थ में इसका, संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होगा
पैदल यात्रा। अब अगर हम वॉक को वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो क्या होगा? पैदल यात्रा करना, पैदल यात्रा करना या चलना, पैदल चलना, पैदल चलना ये भी, तो इस तरह से हम देखते हैं। देखिए, तो जब भी इनमें से कोई भी शब्द नाउन के रूप में प्रयोग हो तो आपको आर्टिकल लगाना है, वर्ब रूप में प्रयोग हो तो आर्टिकल नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे आई हैव अ, एन लगा देता हूं क्योंकि इवनिंग लगा रहा हूं, इसलिए आई हैव एन इवनिंग वॉक, मतलब मैं रोज शाम को वॉक पर जाता हूं या पैदल चलता हूं, पैदल यात्रा करता हूं। अब देखिए, इसी को ऐसा बोल सकते हैं, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूं, पैदल यात्रा कर रहा हूं। तो यहां पे जब वर्ब रूप में प्रयोग हुआ तो हमने यहाँ पे ए एन नहीं लगाया, यहां जब ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बात के बारे में जानते हैं, बात, ठीक है। देखिए, बात मतलब होता है नहाना, नहाना, ये एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, नाउन ना संज्ञा में प्रयोग हो रहा है। अब इसको अगर हमको वर्ब रूप में प्रयोग करना है तो ये हो जाता है बेद, इसमें ई लग जाने से इसका जो उच्चारण होता है वो भी थ से द में बदल जाता है। पहले ये बात हो रहा था बात, अब हो रहा है बेद, 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 यानी कि ये वर्ब रूप में कार्य करेगा, यानी कि नहाने का कार्य करना, नहाने का कार्य करना। अब इसको मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, उस एक ही सेंटेंस से दो तरह से ट्रांसलेशन बताता हूं आपको। जैसे देखिए, मैं रोज सुबह 7 बजे नहाता हूं, ये एक सेंटेंस है, मैं रोज सुबह 7 बजे नहाता हूं। अब हम इसको देखते हैं, दोनों में ट्रांसलेट कर देखते हैं। आई टेक अ बाथ 8:07 AM डेली, आई टेक अ बाथ 8:07 AM डेली। यहां पे मैंने इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए यहां पे ए लगा दिया है। अब अगर इसको मैं वर्ब रूप में प्रयोग करूं तो सीधा ए लगा दूंगा, आई बेद, BATH, आई बेद 8:07 AM डेली। यहां देखिए, मैं इसको वर्ब रूप में प्रयोग किया तभी हमने यहां पे an नहीं लगाया। तो ध्यान रखेंगे, नाउन के पहले आपको an लगाना है, जबकि वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, तो ये इनको ध्यान रखना है आपको। तो ये ए और एन के यूजेस रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके नो यूजेस के बारे में या जीरो आर्टिकल के बारे में, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछता है और यही सबसे मेन या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही, जीरो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल आपको नहीं लगाना है या नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नो यूज ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। शुरू में देखते हैं, पहली बात आपको यूज नहीं करना है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। यू डोंट हैव टू यूज आर्टिकल जस्ट बिफोर अ प्रॉपर नाउन। इट मीन्स प्रॉपर नाउन क्या है, पहले हम ये तो जान लें कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब यह है कि जहां किसी प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर पर्सन, इनके बारे में बताया जाता है तो वहां होता है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। इससे पहले मैंने बताया था कि यदि किसी विशेष व्यक्ति के गुण दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती हो तो प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं, ऐसी स्थिति में लगाते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में नहीं लगता। जैसे कि राम कहना गलत होगा, एक राम नहीं हो सकता, कोई राम कह सकते हैं, बिलासपुर कहना गलत होगा, ये गलत है, रामायण कहना गलत होगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है और इसमें द लगेगा, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, आगे बताऊंगा मैं आपको द में, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ए एन नहीं लगाना है क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा,
अनकाउंटेबल में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अनकाउंटेबल यू डोंट हैव टू पुट आर्टिकल बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए शुरू में हमने पढ़ा क्या था कि ए और एन का प्रयोग कहां करना है, एक के अर्थ में एक वचन गणनीय संज्ञा में करना है, आई मीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वहां पे लिखा हुआ था, वी हैव मेंशन देयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल में कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखिए वाटर लिखा हमने, वाटर तो ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पे हम अ वाटर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ऑयल लिखा, ऑयल तो यहाँ पे हम एन ऑयल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। लाइफ लिख दिया, चलिए लाइफ लिख दिया, ये भी तो अनकाउंटेबल है, और लाइफ नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लूरल में, प्लूरल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्लूरल नाउन भाई हमने शुरू में लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल नाउन में कैसे हो सकता है, यानी कि अगर वो पेन्स लिखा हो तो यहाँ पे हम अ पेन्स नहीं लगा सकते, अम्ब्रेलास लिखा हो अम्ब्रेलास तो यहाँ पे भी हम ए एन या एन अम्ब्रेलास नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, कभी भी शॉर्ट ऑफ एस ओ आर टी शॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ जॉब ऑफ पोस्ट ऑफ टाइटल ऑफ वैरायटी ऑफ के बाद, जस्ट बाद के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि ये ऐसा नहीं होगा पोस्ट ऑफ अ टीचर, ये गलत होगा। तो सीधा आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, पोस्ट ऑफ टीचर ही होगा, पोस्ट ऑफ अ टीचर नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड में, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स यानी कि दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, हिंदी में संकेत वाचक शब्द कहा जाता है। तो इनके तुरंत पहले और तुरंत बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि ऐसे जैसे कि दिस अ होम, ये गलत होगा, दिस अ होम कहना गलत है, या अ दिस होम कहना गलत होगा। तो सही क्या होगा, दिस होम ही सही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अदर एन अदर एवरी ईच इधर या आइदर नीदर या नाइदर, इनके तुरंत पहले और तुरंत बाद आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि ईच अ बॉय गलत, या एन एवरी बॉय ये गलत होगा। तो ईच बॉय ही हो सकता है या एवरी बॉय ही हो सकता है, लेकिन इनके पहले और बाद में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पजेसिव वर्ड्स में, पजेसिव वर्ड्स किसे कहा जाता है, देखिए अधिकांश सूचक शब्द हिंदी में, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, इन सभी शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि माय अ होम गलत है या अ माय होम गलत है। यदि आपके दिमाग में ये बात उठ रहा हो कि भाई मेरा एक घर है, ये तो सही है सेंटेंस, मेरा एक घर है कह रहे हैं और वहां पे माय या होम कह रहे हैं, तो वो गलत होगा। मेरा एक घर है का अंग्रेजी रूपांतरण आई हैव अ होम होता है, न कि माय अ होम। ठीक नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखते हैं,
देखिए सिर्फ विशेषण जहां संज्ञा अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो ना, उपस्थित हो नहीं ना, अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, संज्ञा आया ही नहीं हो, तो वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि देखिए मैंने ब्लैंक लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल। अब मैं अगर आपको आर्टिकल लगाने को बोलूं तो आप फट से ए लगा दोगे, अब ब्यूटीफुल लगा दोगे, जो कि ऐसा करना गलत है, नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सिर्फ विशेषण जहां संज्ञा नहीं आया हो वहां पे हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक बार समझ लेते हैं, जैसे देखिए वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर है, वह सुंदर है, तीन वाक्य हैं हमारे पास। वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर है, वह सुंदर है। इसमें दूसरा वाला जो वाक्य है वो गलत है। वह एक सुंदर लड़की है सही है, वह सुंदर है सही है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए एक का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा का प्रयोग किया गया है, यानी कि लड़की आया है करके हमने यहाँ पे एक लगाया है, जबकि यहाँ पे लड़की नहीं आया है तो हमने भी यहाँ पे एक नहीं लगाया है, तो दोनों सही है। लेकिन इसमें बीच वाले सेंटेंस में एक का प्रयोग कर दिया है और नाउन नहीं आया है, इस वजह से ये गलत है। तो सीधे सीधे बात ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, सी इज ब्लैंक ब्यूटीफुल, अगर आप यहाँ पे ए लगा दे रहे हो तो ये गलत होगा, यहाँ पे नहीं होगा, जब तक कि यहां गर्ल का प्रयोग नहीं होगा। सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल एकदम सही है, लेकिन सी इज अ ब्यूटिफुल करना गलत होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इसी में। देखिए ऑनर, HONOUR, ऑनर, एयर, एयरेस्ट, ऑनेस्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, एच से शुरू हो रहे हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमें एन का प्रयोग करना होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये दोनों नाउन हैं, तो इनके लिए सीधा लग सकता है आर्टिकल, जैसे कि ही इज एन एयर, ये हो सकता है, ये सही है, लेकिन ये नहीं होगा ही इज एन ऑनेस्ट, ये गलत होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इसके लिए नाउन की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हमने अभी 8वें नंबर नियम में देखा था। ये कैसे हो सकता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा हो सकता है। मेरा ये बताना है, मेरा मतलब ये है कि जब ये शब्द आते हैं तो वहां पे एन लगता है, जबकि इनका उच्चारण, जबकि इनकी स्पेलिंग जो है एच से शुरू हो रहा है और उच्चारण अ से शुरू होता है, इसी वजह से यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात देखते हैं, देखिए ईयू से कोई शब्द शुरू होता हो या ईडब्ल्यू से कोई शब्द शुरू होता हो तो उसमें ए लगाना होता है, ना कि एन। ध्यान रखेंगे जैसे कि यूलॉजी, यूलॉजी, तो यहां पे देखिए ये इसका उच्चारण क्या हो रहा है, या के रूप में होता है, या यू के अर्थ में होता है, या बन रहा है, ये स्वर उच्चारण नहीं है, व्यंजन उच्चारण है, इसी वजह से यहां पे हम क्या लगाएंगे, अ यूलॉजी, ना कि एन यूलॉजी। इसको ध्यान रखेंगे, जैसे कि यूकिलिप्टस होता है तो अ यूकिलिप्टस करेंगे, ना कि एन यूकिलिप्टस। ठीक है, चलिए इस बार देखते हैं नेक्स्ट। कभी भी वाई ई ए आर, ये ईयर नहीं लिखा है, ई आर नहीं लिखा है, ये लिखा है ईयर, ईयर, तो इसके पहले क्या लगेगा, अ ईयर, पढ़ते समय भी ध्यान रखेंगे अ ईयर है ये, ना कि एन ईयर, एन ईयर करेंगे तो गलत हो जाएगा, अ ईयर लगाना होगा, क्योंकि उसको उच्चारण य से शुरू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन उच्चारण होता है। चलिए ये तो दोनों खत्म हो गया, ये मैंने ए और एन का प्रयोग एक साथ समाप्त कर दिया। द का प्रयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, अगर आप इसको कमेंट में सॉल्व करके दे देंगे तो मैं इसके संबंध में और वीडियो में नहीं बताऊंगा, और अगर नहीं बताते हैं कमेंट में तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बता दिया जाए। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिख देता हूं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन है ब्लैंक एमए, दूसरा क्वेश्चन है ब्लैंक एनसीसी ऑफिसर, तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पढ़ूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे इसलिए आप खुद पढ़िएगा इसको। चौथा क्वेश्चन है, इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये इसके उच्चारण में ही आपको बनाना है, बस इसका स्पेलिंग बता दे रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का स्पेलिंग है ई यू एन यू सी एच, फोर्थ नंबर में है यू टी आर आई सी एल ई, फिफ्थ में है यू आर एन, सिक्स्थ क्वेश्चन है ऑक्शन ओ सी ओ एक्स ई एन, सेवन ब्लैंक एक्स, एट यूजफुल, नाइन यूनिफॉर्म, देखते हैं नेक्स्ट, टेन ब्लैंक एच ओ एन ओ यू आर, इलेवन ब्लैंक यू टी ई एन एस आई एल, ट्वेल्व वेरी ऑनेस्ट, थर्टीन ई यू एल ओ जी वाई, फोर्टीन यू जी एल वाई, फिफ्टीन आई डबल एन ओ सी ई एन टी, इनोसेंट, सिक्सटीन फर्नीचर, सेवनटीन इजी ई ए एस वाई, एटीन डेटा डी ए टी ए डेटा, नाइनटीन टी ए, और ट्वेंटी है पुअर। ये कुछ 20 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।